जल्दी आओ, अभी खोलता हूँ इसे। खोलो जल्दी। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी मीरा जल्दी खोलो, सबको पता चलना चाहिए कि इसमें मोबाइल नहीं है। ये देखो निकला मोबाइल, देखो ये देखो ये देखो, ये खोलो बेना जल्दी खोलो जल्दी। देखो है कुछ, देखो देखो, मैं तो सब देखो, निकला इसमें से मोबाइल नहीं, एक्चुअली मोबाइल तो नहीं निकला। बताइए जी, तुमने मेरी लाज रख ली, मेरा वीरा निर्दोष निकला। तो मोबाइल गया कहाँ? जीजा जी, आपने मुझे चोर कहा, ठीक है, लेकिन आपने मुझे चोर कहकर मेरी बहना को खून के आंसू रुलाया है। ये मेरी वो बहना है जो आपकी एक हंसी के लिए खुशी खुशी अपने हजारों आंसू बहाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे ये मेरी वो बहना है जिसको आप कितना भी डांटो, कितना भी डोपी नॉनसेंस बोलकर उसका सबके बीच में अपमान करो, लेकिन वो अपमान को आपका प्यार समझकर अपने गले से लगा लेती है। ये मेरी वो बहना है जो फौजी की तरह हर दिन हर पल जागरूक रहकर हमेशा अपना कर्तव्य जी जान से निभाती है। अरे ये मेरी वो बहना है। बस बस करो मेरा, बस करो। माँ कहती है ना, जो नहीं मिला उसका गम नहीं करते, लेकिन जो मिला है उसकी खुशी महसूस करते हैं। मुझे इस घर में स्वर्ग से ज्यादा सुख मिला है। घर जाने दो, चलो शायद मेरे नसीब में इतना ही सुख लिखा होगा। नहीं बहना, तुम्हारे नसीब में और भी सुख था, लेकिन वो सुख मिटा दिया है इस आदमी ने। एक मिनट सुंदर सुनो भाई, जेठालाल से गलती हुई है। हुई 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 हुई, और तुम्हारा गुस्सा भी जायज है। जायज है, और इनको भी इस बात का दुख है। बहुत दुख है भाई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है सुंदर कि तुम ये सब करने लगो। आखिरकार तुम्हारे जीजा जी है। जीजा जी भाई नहीं, मैं तो सर जीजा जी है नहीं, जीजा जी थे। दया भाभी थे मतलब? जैसा कि मैंने कहा था, अगर मेरा वीरा चोर निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सुंदर से रिश्ता तोड़ दूंगी, और अगर मेरा वीरा चोर नहीं निकला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए टप्पू के पापा से रिश्ता तोड़ दूंगी। चलो बेना। दया बरो, दया दया दया, देखो मेरी बात सुनो दया। अरे माता साहब ये बोलो इसको कुछ, ये क्या? दया भाभी प्लीज बात सुनने की कोशिश कीजिए। मेहता साहब आप मुझे बताइए, क्या आप आत्मसम्मान के बगैर रह सकते हैं? नहीं। तो मैं भी आत्मसम्मान के बगैर नहीं रह सकती। दया दया ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? देखो मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो आगे से तुम जैसा कहोगी वैसे ही मैं करूंगा बस। तो मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाने दीजिए। नहीं हरगिज नहीं, नहीं 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 दया नहीं दया। अरे अरे मेहता साहब आप खड़े क्या है? आप मेरी जिंदगी का फायर ब्रिगेड हो, ये आग बुझाओ। अरे मेरे जैसे 10 फायर फाइटर आ जाए ना तो ये आग नहीं बुझ सकती, इतनी बड़ी आग लगी है। अरे
आग तो छोटी थी बड़ाई आपने। मैंने बड़ा, मैंने क्या किया? क्यों अभी दया ने आपसे पूछा कि मेहता साहब बताओ आत्मसम्मान के बगैर आप जी सकते हो, तो आपको सिंपल ऐसा मुंडी ऐसा हमें हिलाने का था, तो आप नहीं ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? यानी मैं अपना आत्मसम्मान खोके झूठ बोलना शुरू कर दूं? जेठालाल मैं झूठ नहीं बोल सकता। अरे हरीश भाई सत्यवादी है? अरे भाई सुंदर यार समझा अपने बहना को।